अगर कोई आपकी आपके विजन को क्रिएटिवली समझ पा रहे हैं तो आप उन्हीं के साथ काम करना चाहेंगे। तो मुझे इसलिए कभी इस बात की दिक्कत नहीं हुई है जब नेपोटिज्म की बातें आते हैं ये सब, मुझे लगता है यार आप अल्टीमेटली उन्हीं लोगों के साथ काम करोगे जिंदगी में भी जिनके साथ आपका कंफर्ट है, जो आप सोचते हैं आपकी सोच समझते हैं। तो इसमें आप फिर वो नहीं कह सकते कि नहीं आपने इसलिए क्यों नहीं लिया, इसको क्यों नहीं लिया, वहां पर बैठ के आप इक्वालिटी नहीं प्ले कर सकते, मतलब इसमें इक्वालिटी को डिमांड नहीं कर सकते। नहीं, थैंक यू सो मच शाहाना हमसे बात करने के लिए। ये न्यूज़ क्लिक है और हमारे शो का नाम है एमसी हैंगआउट। तो हम आपसे बातचीत कर रहे हैं, वी आर वेरी ग्लैड कि हम आपसे बात कर पा रहे हैं। कैसा लगा नियत में काम करके? कई सारे एक्टर्स हैं जी और थिएटर रिलीज है, बड़े लेवल पर रिलीज किया है जी। तो हाउ इज़ द एक्सपीरियंस? पहले तो हमारी शूट पिछले साल हुई इसी दौरान, मतलब एक्चुअली मई जून में ही हम लोगों ने शूट किया और एक साल के अंतर वो फिल्म रिलीज़ भी हो गई। बहुत बड़ी बात है थिएटर में रिलीज़ होना ऐसे वक्त में जब फिल्में ज़्यादा रेडी होके पड़ी हुई हैं, बिक नहीं रही हैं। तो इट्स क्वाइट अ बिग थिंग कि हमारी फिल्म रिलीज़ हुई, थिएटर में गई है, उसको देखा जाएगा। तो फिल्म बनाते वक्त भी बहुत मज़ा आया, बिकॉज मुझे हमेशा एक एंसेंबल फिल्म का एक मज़ा ये रहता है कि इतने सारे लोग एक साथ काम कर रहे हैं। और इस तरह की फिल्म के लिए अनु चाहती थी कि बहुत अच्छे मंझे हुए कलाकार वो ले, ताकि ऐसा किसी को शक ना हो कि जो वीक एक्टर्स हैं कि वो किलर नहीं होंगे या जो भी इस तरह का, कि शक बरकरार रहे सब पे, यू नो, एक लेवल जब के लोग एक्ट कर रहे हैं उसमें। तो वो उसमें बहुत मज़ा आया एंड पूरी टीम, मुझे हमेशा कभी कभी झिझक होती है इतने सारे एक्टर्स साथ में होता तो लगता है कि भाई ईगो क्लैशेस होंगी, किसी की नहीं बनेगी एक दूसरे के साथ, लेकिन बिल्कुल भी नहीं। इतना मतलब फैमिली वाली फीलिंग थी और अभी भी वो पूरा एक ग्रुप बना है हमारा जो साथ में बात करते रहते हैं और एक शूट के बाहर भी हम लोग मिलते हैं काफ़ी छोटे छोटे ग्रुप्स में कभी 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 सब साथ में, लेकिन वो वाली जो फीलिंग है वो अभी भी है ऑफ दैट काइंड ऑफ फैमिली फीलिंग। पर आपने एक से ज़्यादा बार काम कर लिया है ना ऐसे ज़्यादा एक्टर्स के साथ, बहुत, बॉम्बे बेगम्स में, हर्ष हर्ष में जी। तो उससे पहले भी मैं मेरी शुरुआत की फिल्म में भी यूं होता तो क्या होता, फिर हनीमून ट्रैवल्स, फिर उन सब में भी काफी वो सभी एंसेंबल फिल्म्स थे। तो कैसे शुरू हुआ, शुरुआत कैसे? अभी हम बात कर रहे थे कि आप दिल्ली से हैं और दिल्ली में आपकी पढ़ाई हुई है, तो दिल्ली में थे वहाँ पे, तो प्रॉपर आप मतलब परिवार वगैरह सब दिल्ली से? जी जी, मेरे पेरेंट्स दोनों बंगाली हैं, लेकिन वो भी जब वो 25 साल के थे अभी उससे भी कम 20-22 साल के थे तो दिल्ली आ गए, तब से वहीं थे। तो हमारी पैदाइश वहीं हुई है, वहाँ वहीं बड़े हुए हैं और बस फिर स्कूल में थे, स्कूल में थिएटर का हमेशा शौक था। मेरे फैमिली में मेरे फादर मदर सब परफॉर्मिंग आर्ट्स में थे, मेरे मौसा मौसी वो भी बहुत सारा थिएटर, मामा मामी ये सब बहुत लोग करते थे थिएटर, तो वो एक परफॉर्मिंग आर्ट्स का एक जो उसकी जो रुचि थी वो ऑलरेडी फैमिली में थी। और हालांकि किसी ने शायद फुल टाइम प्रोफेशनल लेवल पे नहीं किया क्योंकि उस ज़माने में थोड़ा वो एक बहुत बड़ा रिस्क था और इतनी अपॉर्चुनिटीज़ भी नहीं थी। तो आई थिंक और स्कूल में फिर मैं डांस भी सीखती थी, मेरी गुरु जो है किरण सहगल, वो जोरा सहगल की बेटी हैं, तो उनका भी जो एक तरीका था क्लासिकल ट्रेनिंग का भी, उसमें हमेशा जो अभिनय वगैरह वो बहुत नेचुरल लगती थी, बहुत ज़्यादा थिएट्रिकल नहीं होता था वो, या जो नॉर्मली हम एसोसिएट करते हैं क्लासिकल डांस के साथ। तो कहीं शायद वो रिश्ता जुड़ता गया मेरा एक्टिंग से और बचपन से ही मुझे लगा कि मुझे एक्टर ही बनना है, लेकिन कौन से माध्यम में वो नहीं पता था कि थिएटर या फिल्म। इच्छा थी कि मैं फिल्म करूं लेकिन इतना दूर का ख्वाब लगता है ना, आप दिल्ली में बैठे हो बिना किसी कनेक्शन के, तो वो लगता है कि संभव शायद नहीं है, लेकिन एक ख्वाब है जो आप देख सकते हैं। तो एक पॉइंट पे आई थिंक 15 साल की जब मैं थी, तो 16 साल की, तो हमारे स्कूल में सरदार पटेल विद्यालय में ही NSD का, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का एक वर्कशॉप हुआ था, समर वर्कशॉप। तो वहाँ काम करते करते मेरे जो टीचर्स थे उन्होंने बहुत बढ़ावा दिया कि इसको तुम्हें प्रोफेशनली करना चाहिए, सोचना चाहिए इसके बारे में।
तुम NSD ज्वाइन करो, तुमको मिल जाएगा. तो NSD ज्वाइन करने के लिए मुझे 6 या 8 प्रोडक्शंस में पार्टिसिपेट करने की ज़रूरत थी, और उस वक्त दिल्ली में वो रेपर्टवार थिएटर बहुत कम था, ज़्यादातर फुल टाइम थिएटर वाले नहीं थे इतने, बॉम्बे में ज़्यादा थे. तो मैंने कहा मैं बॉम्बे आ जाती हूँ, थोड़ा थिएटर का तजुर्बा इधर ज़्यादा मिल जाएगा, कॉलेज करते करते फिर मैं NSD जाऊँगी. और उस वक्त फिल्म इंस्टीट्यूट का जो एक्टिंग कोर्स था ना, वो डिसकंटिन्यू कर दिया था, कुछ साल बीच में उन्होंने डिसकंटिन्यू कर दिया था. तो मैंने फिर वो उम्मीद छोड़ दी थी कि वो कर पाऊँ जी. तो मैं यहाँ आई और सफाया कॉलेज में पढ़ रही थी, और साथ साथ मेरी मुलाकात जेमिनी पाठक से हुई, जो एक्टर है, लेकिन वो थिएटर ग्रुप भी चलाते थे उस वक्त, वर्किंग टाइटल्स उनका थिएटर ग्रुप कंपनी था. तो वो एक प्ले पे काम कर रहे थे, तो उन्होंने कहा आ जाओ तुम हमारा टीम ज्वाइन कर लो, तुम्हें एक्टिंग करनी है, दूसरी चीज़ें भी सीख के देख लो. तो उनका मैंने थिएटर ग्रुप ज्वाइन किया, और आई थिंक कुछ ही महीनों बाद या एक साल बाद जब मैं पहला अपना प्रोडक्शन कर रही थी उनके साथ, क्योंकि पहले बैक स्टेज कर रही थी, तो उसमें भी अलग मज़ा है कि आप सीख रहे हैं चीज़ें. और कुछ बड़ी अटपटे तरीके से, मतलब हम लोग सब साथ में डिनर कर रहे थे, उनके किसी पहचान वाले ने आके पूछा, अच्छा तुमको फिल्मों में काम करना है ना, मेरी दोस्त कुछ ऑडिशन कर रही है, पूजा भट्ट की एक फिल्म है, वो डायरेक्ट कर रही है, तो तुम नई लड़की ढूंढ रही हो, तो तुम उनसे मिल के आओ. ठीक है. तो मैंने कहा नहीं ठीक है. सो मैंने कहा हाँ हाँ थैंक यू. ये वो जैसे ही वो वहाँ से गए, मैंने जेमिनी को बोला मैं नहीं जाने वाली, ये सब ऐसे कमर्शियल टाइप के तो लेंगे भी नहीं, मुझे क्या फ़ायदा ऐसे लोग मतलब मिल के, कोई मतलब ही नहीं है. तो जेमिनी ने कहा नहीं देखो ये एक उसूल तुम्हारा होना चाहिए, मिलना तुम्हें हमेशा सबसे है, उसके आगे तुमको ना बोलना है किसी चीज़ को तो तुम देख लेना, लेकिन तुम एक अपॉर्चुनिटी को क्यों गवा रही हो. तो मैंने कहा ठीक है चलो मैं चली जाऊँगी. मैं वहाँ गई उस, तो मैं मिली शानू शर्मा, उस वक्त कास्ट अभी वो यशराज में काम करती है, तो तब वो फ्रीलांस काम कर रही थी. तो उन्होंने मुझे देखा, उन्होंने कहा अच्छा वो पूजा भट्ट की फिल्म अभी छोड़ो, लेकिन नसीरुद्दीन शाह की ये एक फिल्म वो डायरेक्ट करने वाले हैं, उसमें एक 16 साल की लड़की का पार्ट है, मुझे लगता है तुम उसके लिए ठीक हो. तो उन्होंने फट से मेरी फ़ोटो ली, भेज दिया बुशरा को, जो उस वक्त हेल्प करी थी कास्टिंग में. बुशरा ने मुझे बुलाया अगले दिन नसीर जी से मिलने के लिए. नसीर ने थोड़ी सी मेरे साथ बात की, वही मेरे लिए इतना, मैंने कहा ये क्या हो गया, मैं आते ही मैं नसीर जी के साथ बैठ के बात कर रही हूँ, ये क्या हो रहा है. और उन्होंने एक आध सवाल पूछे, फिर उन्होंने कहा आ जाओ आप ऑडिशन के लिए. मैंने कहा ठीक है मैं आ जाऊँगी. ऑडिशन भी ऐसा पहला ऑडिशन, उसमें ना तो कोई डायलॉग ना कुछ, वो एक टेंशन होती ना कि आपको सीख के फिर बोलना है कुछ. मैंने कुछ नहीं, नसीर ने बिल्कुल थिएटर वाले एक्सरसाइजेस कराए कुछ ऐसे ही इम्प्रॉम्प्टू, जो मुझे बहुत स्वाभाविक लगे तो वो कर लिया. और कुछ तो हुआ कि मुझे ऐसा लगा, वो किसी और से बात कर रहे थे हंस के, तो मुझे लगा उनको पार्ट मिल गया होगा, मुझे नहीं मिला, मैंने ठीक से नहीं किया ये वो. तो मैं रोते रोते वहाँ से चली गई. मैंने कहा मुझे हाँ हाँ, मैंने कहा मेरे पाँव में कुछ चोट लग गई निकलते हुए वहाँ से. हाँ. मैंने कहा ये साइन है कि मुझे नहीं मिलने वाला है, और मैं रोते रोते वहाँ से गई. और फिर ऐसे हर 2 दिन मुझे फ़ोन आते थे उनके ऑफिस से कि आपके पास वीज़ा है क्या, आपके पास पासपोर्ट है क्या, आपके पास ये है क्या. अच्छा देखते देखते करके 16 दिन बाद मुझे खबर मिली कि मुझे पार्ट मिल गया. तो ऐसे ही कुछ अजीब तरीके से 19 साल की उम्र में मेरे पहले ऑडिशन का जो था वो मुझे मिल गया, और उसके बाद से कुछ ना कुछ करके वो होता गया. तो दैट्स काइंड ऑफ हाउ इट स्टार्टेड, बाय एक्सीडेंट बट विद इंटेंशन. मतलब ऐसा नहीं कहूँगी कि मैं हमेशा ही मैं एक्टिंग करना चाहती थी, लेकिन उम्मीद नहीं की थी कि इतनी जल्दी हो जाएगा. ज़िगाटो में मैंने नंदिता से ही बात कर रहा था मैं, और वो बहुत अच्छी फिल्में, अलग तरह का गिग वगैरह से नहीं बनती हैं पिक्चरें आमतौर पे इंडिया में, तो बिल्कुल भी नहीं बनती हैं, और उसको वो किया है. तो बहुत लेयर्स हैं, मैं ये देखता हूँ कि आपके काम में, बॉम्बे बेगम्स का करेक्टर हो या फिर ज़िगाटो का हो या फिराक हो या यूँ होता तो क्या होता कि आप ही ने बात की है, तो हर तरह के रोल्स सूटेबल बॉय में फॉर एग्जाम्पल, इसमें ये रहता है कि आपको ये रहे कि अच्छा मुझे एक तरह का रोल मैंने कर लिया है तो अगला वाला ऐसा आएगा तो मैं नहीं करूंगी, ऐसा कभी हुआ है कि सेम रोल आपको लगातार एक से ज्यादा बार ऑफर हुए हैं? फॉर एग्जांपल ज़िगाटो के बाद या बॉम्बे बेगम्स के बाद. अभी थोड़ा कम होता है क्योंकि आई थिंक अभी लोगों की सोच भी बदल चुकी है थोड़ी सी, जहाँ पे आपको एक रूप में देखते हैं तो जरूरी नहीं है कि उसी में कास्ट करें, लेकिन थोड़ा बहुत होता है कि मान लीजिए अगर आपको ये मैं एक उदाहरण के तौर पर आपको देती हूँ कि शुरुआत में मेरे करियर में मैंने बहुत साधारण
देखने में कैरेक्टर्स प्ले किए या थोड़े से शायद लोअर मिडिल क्लास कैरेक्टर्स प्ले किए, तो वो करते करते एक बिल्कुल जिसको कहते हैं नॉन ग्लैमरस पार्ट, तो वो प्ले करते करते ऐसा हो गया था कि या तो मुझे सिर्फ माँ के रोल आते रॉक ऑन में, क्योंकि मैं तब 22 साल की थी और मैंने मेरे 8 साल का बच्चा था इन द फिल्म, तो उसके बाद से मुझे सिर्फ माँ के रोल आने लगे, क्योंकि बाकी एक्टर्स आई थिंक उस वक्त अनजायज सी बात थी उस वक्त कि लोग ना बोल देते थे, क्योंकि आपको उसी ढाल में मतलब उसी रूप में देखने लगते थे रोल, और किसी एक बार आपने माँ का रोल कर दिया तो सिर्फ माँ के रोल ही आते थे फिर, और कोई आपको फिर यंगर ओल्डर दूसरे नुआंस्ड रूप से देख ही नहीं पाते थे, तो मुझे वो पता नहीं था, तो मैंने तो शुरू में ही माँ का रोल कर दिया, तो मुझे लगा कि अभी मैंने 16 साल की लड़की का किया, अभी मैं माँ का रोल कर रही हूँ, कल कुछ और करूँगी, पर नहीं, वो फिर सिर्फ माँ के रोल ही मुझे आने लगी, क्योंकि बाकी सब ना भी कर देते थे उसको। उसके बाद जब बॉम्बे बेगम, सूटेबल बॉय, ये सब जो एक तरह से मैं कहूँगी मेरा सेकेंड इनिंग्स रहा इंडिया में, क्योंकि बीच में मैंने बहुत इंडिपेंडेंट इंटरनेशनल फिल्में की जो फेस्टिवल्स में गई लेकिन यहाँ रिलीज नहीं हुई, तो इंडियन ऑडियंसेस के लिए वो मेरा सेकेंड एक इनिंग्स रहा, और एक पूरी जनरेशन के लिए शायद वो पहली बार मुझे उन फिल्मों में, उन प्रोजेक्ट्स में देख रहे थे। अब उनमें क्या हो गया कि आप बॉम्बे बेगम्स देख लो, हश हश देख लो, सूटेबल देख लो, तो फिर मुझे लोग बोले ना कि आपने तो हमेशा ग्लैमरस रोल्स किए हैं, तो आपने फिर ज्विगाटो में कैसे, मैंने कहा देखिए किस तरह से वो बदल जाता है लोगों का नज़रिया, कि अभी आपको एक दौर के लिए उन्होंने ग्लैमरस में देखा है, उसके पहले कुछ नहीं देखा, तो उनको लगता है सिर्फ वो कर सकते हैं आप, तो वो दोनों तरह से ही वो टाइप कास्टिंग हो जाती है। लेकिन अभी फ़ायदा ये है कि कास्टिंग डायरेक्टर्स भी ज़्यादा है, टैलेंट में रुचि ऑडियंस को भी ज़्यादा है, इंडस्ट्री को भी ज़्यादा है, कैरेक्टर्स भी बहुत अलग अलग किस्म के लिखे जा रहे हैं, तो थोड़ा सा उससे एक अलग अप्रोच मिला है। लेकिन ये सही है कि एक पॉइंट के बाद आपकी ना ही आपके हाँ के लिए जगह बनाती है, जितना आप किसी चीज़ से हटना चाहे, मतलब आज ही मुझे, मैं ऐसे एस्ट्रोलॉजी टैरो ये सब इन चीज़ों में बहुत मानती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है और रुचि है मेरी, तो ऐसा ही एक मैसेज आज मुझे एक एस्ट्रोलॉजिकल ऐप का है वो आया आज के लिए मेरे लिए, कि आपको आगे का सोचने के लिए ये भी जानना ज़रूरी है कि आपको क्या नहीं करना है, नॉट ओनली कि आपको क्या करना है, तो ये बहुत ज़रूरी हो जाता है। और मेरा भी वो रहा है पहलू, एक पॉइंट पे मैंने बोल दिया था कि नहीं, क्योंकि बार बार माँ के रोल आ रहे हैं, सिर्फ अगर उस किरदार का सिर्फ माँ होना ही उसकी आइडेंटिटी है तो मैं नहीं करूँगी, अगर उसमें और पहलू है और चीज़ें हैं तो ज़रूर मैं करूँगी, लेकिन एक पॉइंट आता है कि आपको बिल्कुल वो स्ट्रिक्ट लाइन खींचनी पड़ती है। या अभी मान लीजिए एक तरह से मैं एक ही टाइप के रोल, मतलब अभी ऐसा हो गया है कि हाँ हमें पता है कि शाहना क्या कर सकती है क्या नहीं कर सकती, अच्छा कर लेती है हाँ सब, पर एक ऐसा लग गया है कि अब तो हमें पता है, तो अब मुझे इच्छा ये है कि मैं कुछ ऐसा करूँ जो बिल्कुल ही अनएक्सपेक्टेड, किसी को मुझे भी ना पता हो, उसी में मजा है फिर, तो वो बार बार अपने आप को रीइन्वेंट करना वो मेरे ख्याल से ज़रूरी भी है, और मेरे लिए तो वो एक मेरी खुद की ज़रूरत है। अब मैं इससे लूंगा, एक टिस की एक रिपोर्ट आई है बहुत ही रिसेंटली, उसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं कि रिप्रेजेंटेशन कैसे जो हिंदी फिल्म इंडस्ट्री है, इंडियन जो फिल्म इंडस्ट्री है, उसमें बहुत ज़्यादा कम है, महिलाओं का भी, आदिवासियों का भी, और जो मार्जिनलाइज सेक्शंस, रिलीजियस जो माइनॉरिटीज़ हैं उनका भी। तो महिलाओं के लिए ये है कि 36% से सिर्फ 36% फिल्में ऐसी हैं जो कि बेकडेल टेस्ट जो होता है उसको पास करती हैं। और अगर नेशनल फिल्म अवार्ड्स मिले हैं अभी तक जितने भी लोगों को, तो उसमें सिर्फ 13% महिलाएं हैं जी। या फॉर एग्जांपल 92% ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो कि अपर कास्ट हैं अब तक की बनी फिल्मों में जी। तो जब एक तरफ यहाँ ये बात होती है कि बहुत ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन बढ़ रहा है, मौके मिल रहे हैं लोगों को ज़्यादा आजकल के टाइम पर, क्योंकि उसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं, कास्टिंग डायरेक्टर्स आ गए हैं तो आसानी से रोल मिलता है, या फिर बाद में OTT आ गया है तो आसानी से लोग अप्रोच कर पाते हैं आपको, नई चीज़ें हैं, क्वान्टिटी बहुत ज़्यादा है, पर करेक्टर्स के हिसाब से या कहानियों के हिसाब से क्या रिप्रेजेंटेशन आपको लगता है कि बढ़ा है? फॉर एग्जाम्पल अगर बेकडेल टेस्ट की ही बात कर ले, महिलाओं के जो उनका चरित्र किस तरीके का दिखाया जा रहा है उसमें कुछ चेंजेस आए हैं कहानियों में? कुछ हद तक वो चेंजेस आए हैं, और अभी जिस तरह से वो आप बात कर रहे हैं, जिस क्या है उस टेस्ट बेकडेल टेस्ट बेकडेल टेस्ट करेक्ट
कि पता कि इम्पोर्टेंट उसको अगर हटा दे तो वो स्टोरी स्टिल रहती है कि नहीं, वही है ना? उसका क्या वो किसी मर्द से रिलेटेड ही उसका, हाँ करेक्ट, उसका कैरेक्टर हमेशा मर्द से रिलेटेड होता है, करेक्ट। तो ये मैं मानती हूँ कि कुछ हद तक वो बैलेंस पूरी तरह से नहीं है, लेकिन वो ओवरनाइट तो नहीं आएगा ऑब्वियसली, तो इसका भी एक लंबा दौर चलने की ज़रूरत है जिससे वो बैलेंस आ सके। लेकिन अभी मैं बोलूँगी कि मुझे डर दोनों चीज़ों का लगता है, एक ये कि नाम के वास्ते थोड़ा बहुत हम लोगों ने शायद करना शुरू किया है और वो ट्रेंड एक है अभी का, वो ट्रेंड बदल ना जाए और किसी और चीज़ की ओर ना चली जाए। लेकिन मुझे उस ट्रेंड का दूसरा पहलू भी, उससे भी डर लगता है कि कभी ये ना हो जाए कि वो ट्रेंड फिर वो पुरानी ट्रेंड की तरह हो जाए जिसमें हम आदमियों को मार्जिनलाइज कर दें या दूसरों को मार्जिनलाइज कर दें या किसी को फिर से एक पेडेस्टल पे खड़ा कर दें जिससे फिर से एक अलग किस्म का इम्बैलेंस आने लगे। तो मुझे वो जनरली सामाजिक चीज़ों में भी लगता है, वो फिल्मों में भी, ज़िंदगी में भी वो लगता है कि बैलेंस बहुत ज़रूरी है। और मैं मानती हूँ कि बैलेंस के लिए शुरुआत में शायद थोड़ा सा पलड़ा एक तरफ थोड़ा और भारी करना पड़ता है जहाँ पे नीचा रहा है, लेकिन उसको अगर हम शुरुआत से ही थोड़े बैलेंस तरीके से करने लगे तो उसकी नुआंसिंग अलग होती है। कि जैसे फॉर एग्जांपल शुरू में भी जब मान लीजिए हम आज से 5-7 साल पहले की बात कर लें, जो जिस तरह की फिल्में आ रही थी उसमें फिर, या प्रोजेक्ट्स जो आ रही थी उसमें फिर, अ लिबरेटेड वुमन वो समन जो सिगरेट पी रही है, दारू पी रही है, जो गाड़ी चला रही है या आदमी को गाली दे रही है, मतलब दैट इज़ नॉट द ओनली आइडिया ऑफ बींग लिबरेटेड। फिर वो धीरे धीरे बदलने लगा। मेन चीज़ मेरे लिए ये है कि हमको हर किस्म के लोग देखने चाहिए, और वो चेंज मुझे मेल कैरेक्टर्स में भी देखना है। आपको नहीं लगता कि मेल कैरेक्टर्स पर, या जो मजॉरिटी, चलो हम ले लेते हैं मजॉरिटी, चाहे वो ब्राह्मण हो, ये हो, जो भी हो, अपर कास्ट हो या अपर जेंडर कास्ट वो हो या जो भी है, मेजोरिटेरियन जो है उन पे भी प्रेशर है, क्योंकि किसी भी सिस्टम में, किसी भी सोच में, किसी भी टाइप की पॉलिटिक्स में दोनों तरफ का एक अलग किस्म का भार होता है। तो मुझे ये भी लगता है कि मेल वल्नरेबिलिटी फॉर एग्जांपल फिल्मों में बहुत कम दिखती है, या उसका जो एक पेट्रियाकल वैल्यूज़ की जो प्रेशर आदमियों पर पड़ता है उसके बारे में हम बहुत कम देखते हैं। तो मेरे हिसाब से वो बैलेंस लाना ज़्यादा ज़रूरी है कि हम हर चीज़, कहानी किसी की भी हो सकती है लेकिन उसमें नुआंस नहीं लाएंगे अगर हम, उसमें एक स्वाभाविक एक इंसान के ज़िंदगी की उसके उतार चढ़ाव अगर नहीं दिखा सकते तो फिर क्या फ़ायदा। हमें इंसानियत से मतलब है, कहानियों में इंसानियत लाने की ज़रूरत है। सो दैट्स हाउ आई फील अबाउट इट। अभी रिसेंटली ये वाला एक तरह से बवाल बहुत चला था कि जो एक्ट्रेसेस हैं वो बहुत जल्दी बूढ़ी हो जाती हैं, जैसा कि आपने कहा कि महिला माँ का रोल कोई उस एज में नहीं करने को रेडी था, पर ये हमेशा से बात होती रही है कि एक्ट्रेसेस बहुत जल्दी उनको रिप्लेस कर दिया जाता है या उनको कह दिया जाता है कि अब आप ये रोल नहीं कर सकती, पर जो मेल एक्टर्स हैं वो अभी भी हैं, 50-60 साल के भी हो गए, लेकिन उनके एक्ट्रेसेस बहुत ज़्यादा यंग हैं। इसमें क्या आपको लगता है कि किस तरीके से कोई चेंज अगर आ सकता है तो आ सकता है, फिर ये हमेशा से ऐसे ही चलता है और अभी भी उसमें कोई कुछ, मतलब इंडस्ट्री की मैं बात कर रहा हूँ, कोई इसमें कुछ करने को राज़ी है या ये नेचुरल है? देखिए मुझे ये भी लगता है ना कि ये कहना बहुत आसान है कि दोष बनाने वालों का है, चलाने वालों का दोष नहीं है क्या? फिल्में चल रही हैं, क्यों चल रही हैं, वो नैरेटिव क्यों चल रहा है? पहले तो सबसे बड़ी बात है कि वो कुछ हद तक, ये मैं मानती हूँ कि, और काफ़ी हद तक आई वुड से कि फिल्में ज़िंदगी का एक रूप है, तो जिस तरह से आपका समाज है वही वो कहीं ना कहीं वो दर्शा रहा है। अब समाज में भी ऐसा ही है, नॉर्मल समाज में आप फिल्म हटा लो कि बहुत बूढ़े आदमी के साथ यंग लड़कियां, वर्ल्ड ओवर, सिर्फ इंडिया में नहीं, वर्ल्ड ओवर है ये फिनोमेनन, और उसका उल्टा बहुत कम होता है, लेकिन अब वो शुरू होने लगा है। ये ट्रेंड भी बीच में आ गया था कि अब ओल्डर वुमन यंगर मैन, वो भी थोड़ा शुरू हो गया था, क्योंकि वो भी एक नई चीज़ जो शुरू हो चुकी है, जो थोड़ा और सोसाइटी में, समाज में साधारण होने लगा है धीरे धीरे, एक कुछ क्लास में आई वुड से, है ना? तो उस हिसाब से मुझे लगता है कि
हर चीज में ही मुझे लगता है कि हम अगर दोष बनाने वाले को दोषी ठहरा ले वो तो अल्टीमेटली ये तो हम डिनाई नहीं कर सकते कि इंडिया में या बहुत सारी जगहों में फिल्म आर्ट बहुत कम ही लोग मानते हैं उसको आर्ट, फिल्म बिजनेस है. अब बिजनेस में वही चलेगा जो चलता है. आप कपड़े का अगर बिजनेस कर रहे हैं तो जो फैशन है वही चलाएंगे. आप वहाँ बैठ के अपनी मोरालिटी तो नहीं डालेंगे या फिर आप ये तो नहीं जज करेंगे कि कौन पहने आपके कपड़े. नहीं, जो चल रहा है ट्रेंड में, जो बिक रहा है आप वही देखेंगे, वही बेचेंगे. तो अभी भी वही है कि फिल्मों में अगर उनको बैकलैश नहीं मिल रहा है कि आप बहुत एजेड किसी के साथ बहुत यंग लड़की दिखा रहे हैं तो वो नहीं खटक रहा है लोगों को. है ना, बात है कि लोगों को नहीं खटक रहा है. अगर खटक रहा होता तो नहीं चलती तो नहीं बनाते, फिर कुछ और बनाते. अच्छा भी मानती है. या बिकॉज आई थिंक ये बहुत कॉज और इफेक्ट की बात है. किसी चीज़ को बोलना कि नहीं वो फ़ायदे का हो रहा है और हम ही बना रहे हैं उसको फ़ायदेमंद आपके लिए, लेकिन आप मत बनाइए, इसका क्या मतलब हुआ? और इसमें मैं अगेन ये नहीं बोल रही कि सही और गलत है, लेकिन मैं बोल रही हूँ कि हर चीज़ का एक बैलेंस होता है और एक क्या कहते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी की भी बात आती है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ बनाने वाले पे नहीं है. मैं तो चाहूँगी कि ये चीज़ें बदले, लेकिन फिर देखने वाले भी बदलने चाहिए ना. तो ये मतलब ये वही वाला सवाल हो जाता है, पहले मुर्गी आई कि पहले अंडा आया. हाँ, अभी आप देख लो हर जगह, मतलब इंडिया में भी हो या नहीं, पहले मुर्गी आई, ये तो कब की बातें हैं, मतलब हमेशा से ही वही आता चला. कौन सी चीज पहले, मतलब किस पे ज्यादा रिस्पांसिबिलिटी है ना, फिर वो वाली बात आ जाती है. जो दिखाया जाएगा वो ऑडियंस देखेगी या जो ऑडियंस देखना चाहेगी वो दिखाया जाएगा. नहीं, जब चीजें वाकई में बदलने लगती है ना तो वो दिखाना बंद कर देते हैं. अभी ऐसा कोई फिल्म नहीं दिखाएंगे जिसमें बड़े कैजुअली किसी औरत पे अत्याचार हो रहा है. हाँ. या जिस तरह से वो होगा वो नहीं चलेगी ही नहीं. वो उसको लेके बवाल मच जाएगा. लेकिन इन चीज़ों को लेके बवाल नहीं मच रहा है क्योंकि किसी को इतना नहीं खटक रहा है. जिस दिन वो खटकने लगेगा ना वो अपने आप ही स्टोरी टेलिंग से हटने लगेगा. क्योंकि बिजनेस नहीं होगा क्योंकि वो लोगों की सोच के साथ कनेक्ट नहीं कर गया. बाधा बनेगी उस चीज़ में, आपकी स्टोरी टेलिंग में, आपके बिजनेस में. आप क्या करती हैं फिल्मों के अलावा आर्ट में? क्या थिएटर करती हैं आप या डांस करती हैं प्रोफेशनली या इसके अलावा? क्योंकि मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि काम काफ़ी कम देखने को मिलता है, मतलब ज़्यादा कंसिस्टेंटली नहीं ज़्यादा हम काम देख पाते हैं. एक्चुअली मैंने और कुछ किया नहीं है कभी ज़िंदगी में प्रोफेशनली. प्रोफेशनली मैंने सिर्फ एक्टिंग ही की है. और ये सही है कि इंडिया में उस मायने बहुत बहुत सारी मेरी फिल्में नहीं आई क्योंकि जैसा कि मैंने कहा कि वो इंटरनेशनल फिल्में थी. तो जिस दौरान मैं उसको शूट कर रही थी तब भी मैं कोई और काम नहीं कर पाई. और फिर जब उसको प्रमोट कर रही थी फिल्म फेस्टिवल्स पे या दूसरे जगहों पे तो तब भी मैं इंडिया में नहीं थी. और वो कभी फिल्म्स वो ना तो हॉल में रिलीज़ हुई है बहुत OTT पे कुछ तो OTT पे भी नहीं है. मेरी दो फिल्में तो OTT पे भी नहीं है. वो तब वीडियो ऑन डिमांड वगैरह में थी जो लोग पैसा देके तो कभी नहीं देखे. तो मैं किसी को बोलती भी नहीं थी कि आप जाके. एक तो मिडनाइट चिल्ड्रन भी बहुत वक्त तक वीडियो ऑन डिमांड में थी लेकिन फिर वो अमेजोन पे आ गई. लेकिन वरा ब्लेसिंग एक फिल्म थी जो मैंने खेंसे नोबू के साथ की थी जो एक इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर है, बुद्धिस्ट मंक है जो फिल्म मेकर भी हैं. तो उनकी फिल्म तो अभी भी किसी OTT पे नहीं है. और उसमें बहुत नामी लोगों ने काम किया था. मतलब हमारे जो सिनेमाटोग्राफर थे वो अभी ऑस्कर विनर है, नॉमिनेटेड है. फिर जो हमारे एडिटर थे वो बहुत ही नामी एडिटर है, वंकर भाई के एडिटर रहे हैं. तो ऐसे बहुत सारे हमारे लोग थे लेकिन वो फिल्म कभी किसी OTT पे अभी तक आई नहीं है. उसमें भी मैंने लीड प्ले किया था. फिर एक मेरी बांग्लादेशी फिल्म है रुबायत हुसैन की जिसमें अंडर कंस्ट्रक्शन, वो भी बहुत फेस्टिवल्स में गई. फ्रांस में उसका रिलीज़ हुआ लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं क्योंकि इंडिया और बांग्लादेश का कुछ अजीब सा कुछ रिश्ता है इन चीज़ों में कि नहीं आती है. तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें. फिर गली गुलियां भी बहुत साल बाद अब जाके आई है. हमारी तो 2017 में रिलीज हुई थी फिल्म. हाँ, वो मैंने देखी थी मैक्स म्यूलर भवन में दिल्ली. तब ही देखी थी. तो वो वही हो गया कि उस दौरान वो फिल्में आ नहीं रही थी और फिर जब तक आई कुछ तो कब जैसे मैंने बोला आई ही नहीं है. और तो वही मैंने एक्चुअली हर साल मैंने कुछ ना कुछ काम तो किया है. एक या दो चीज़ें हमेशा की हैं, उनको निकलने में शायद वक्त लगा हो. लेकिन
इस बात की मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि फॉर एन एक्टर जो कि चुन चुन के काम करती है और हर चीज़ को हाँ नहीं मैं बोल पाती हूँ, मुझे कंसिस्टेंटली काम मिला है. ऐसे और दौर मतलब आए हैं जहाँ पे अच्छा काम किया है, मतलब उसका जो परसेंटेज होता है ना अच्छे काम का वो जी मैं कभी हाँ बोल ही नहीं पाती हूँ जब तक मैं उस चीज़ से सहमत नहीं हूँ. अब वो चलेगी कि नहीं ये तो किसी के हाथ में नहीं है, लेकिन उस चीज़ का उस प्रोजेक्ट का एक हिस्सा बनना, उसका जो प्रोसेस है उसमें मुझे बिल्कुल पूरी तसल्ली है. मैंने आज तक ना तो किसी ना फिल्म को जिसको मैंने ना बोला या प्रोजेक्ट को ना बोला जो आगे जाके सक्सेसफुल भी शायद हुई हो, लेकिन मेरा उससे नहीं जुड़ना मेरे लिए सही था. कभी रिग्रेट नहीं हुआ? नहीं, कभी भी नहीं. ना तो किसी चीज़ को जो मैंने किया है या किसी चीज़ को जो मैंने नहीं किया है, बिल्कुल भी नहीं किसी भी काम को लेकर. बस एक ही ये चीज़ है मेरी ज़िंदगी में जो मुझे बचपन से मेरी देन है कि मेरा इंट्यूशन इसमें बिल्कुल सही रहे, सही 100% है. और मैं उसको बिना अपने आप को सवाल पूछे करती हूँ, क्योंकि कई चीज़ें बड़ी बड़ी प्रोजेक्ट्स आई हैं जिसमें आपको थोड़ा नाम मिल सकता था ये वो, जो मैंने ना बोली है क्योंकि मेरा मन नहीं था उसमें, और दूसरी चीज़ें की है जिससे मुझे जिस तरह का एक सेटिस्फैक्शन मिला है वो उससे जो बढ़ा एक एक इनकरेजमेंट मिलता है या एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है बाकी और उस तरह की चीज़ों को अट्रैक्ट करने का, उसको अच्छे से निभाने का, उसको करने का, वो शायद दूसरी चीज़ों से मुझे नहीं मिलती है. और मैं अभी किसी से बात कर रहा था, किसी डायरेक्टर से, जो कह रहे थे कि जो मुंबई की फिल्म इंडस्ट्री है उसमें ब्रदरहुड की कमी है. आपको लग मतलब वो कंपेयर कर रहे थे कि साउथ की जो इंडस्ट्री है उससे, या जो केरला में जो लोग काम कर रहे हैं या तमिलनाडु में जो लोग काम कर रहे हैं उससे कंपेयर करके बोल रहे थे कि यहाँ की जो इंडस्ट्री है उसमें ऐसे कम कॉमरेडरी नहीं है लोगों में, और लोग इतना ज़्यादा घुल मिल कर नहीं रहते हैं. आपके हैं दोस्त तो मेरे बहुत हैं. अब मैं जो कि ऑलमोस्ट 20 साल से काम कर रही हूँ तो दोस्त तो मेरे हैं. एंड मैं कहूँगी पता नहीं ये शायद अनयूजुअल हो लोगों के लिए, लेकिन मेरे बहुत करीबी दोस्त हैं फिल्म इंडस्ट्री से और जिनको मैंने जिनके साथ मैंने काम किया है, जिनके साथ दोस्ती बनी रही है, बरकरार रही है. ये नहीं बोलूँगी कि हर कोई बिल्कुल जिगरी दोस्त है जिसके साथ रोज़ का उठना बैठना है, लेकिन जब भी मैं उनसे कभी भी कहीं मिली हूँ या कभी कोई ज़रूरत पड़ी है मुझे कभी ऐसा नहीं महसूस हुआ है कि वो मेरे लिए नहीं है. और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनसे मैं शायद उम्मीद नहीं रखती कि उनकी ज़िंदगी में मेरे लिए कोई जगह होगी, लेकिन बाकायदा वो जगह बनाई गई है और वो रिश्ता कायम रखा गया उनकी तरफ से और मेरी तरफ से. तो मैं तो नहीं कह सकती. एंड मैं बिल्कुल कहीं की मेरी मतलब बिल्कुल ही आउटसाइडर हूँ, मैं तो किसी और शहर की हूँ और यहाँ से कोई नाता नहीं है मुझे मेरा किसी से भी. तो एंड द रीज़न वाई एनीबडी इवन न्यू मी वॉज बिकॉज ऑफ माई वर्क. वरना तो पहचान होना मतलब मैं उन सिर्फ उन लोगों की बात नहीं कर रही हूँ जिनके साथ काम किया, क्योंकि जिनके साथ काम किया उनके साथ तो रिश्ता बन जाता है, लेकिन बाकी इंडस्ट्री के लोग जिनके साथ मैंने कभी काम भी नहीं किया है लेकिन फिल्म की पार्टीज़ में या फिल्म के गेट टुगेदर्स में या किसी की शादी में या रिसेप्शन में आप मिलते हैं रेगुलरली और उनको आपका काम मालूम है और उसकी वजह से एक रिस्पेक्ट है, एक उनका एक वार्मथ है, वो हमेशा रहा है. तो मैं उस बात को लेकर कंप्लेन नहीं कर सकती और मैं नहीं कह सकती कि मेरे लिए वो सही रहा है. लेकिन इन टर्म्स ऑफ जो कॉमराडरी शायद काम के लिए जो लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि आप एक दूसरे की हेल्प कर सकें, वो शायद मुझे नहीं पता उसमें कितना है या नहीं है, क्योंकि कुछ हद तक शायद लोग अपने थोड़े से क्लिक्स में रहते हैं. लेकिन वो मुझे लगता है हर क्रिएटिव फील्ड में हो जाता है थोड़ा. एक्चुअली हर फील्ड में हो जाता है. बिल्कुल मतलब क्रिएटिव हो या ना हो, बिल्कुल वो भी है, बिजनेस में भी हो जाता है. बिजनेस में भी हो जाता है पर क्रिएटिविटी में मेरे ख्याल से थोड़ा और ज़्यादा होता है, क्योंकि आप सिर्फ उन क्रिएटिवली मैच्ड लोगों के साथ भी काम करना चाहते हो ना. अब आप ले लो किसी को भी ले लो आप, वो अपने ही लोगों के साथ काम करते हैं. अगर कोई आपकी आपके विजन को क्रिएटिवली समझ पा रहे हैं तो आप उन्हीं के साथ काम करना चाहेंगे. तो मुझे इसलिए कभी इस बात की दिक्कत नहीं हुई है जब नेपोटिज्म की बातें आती हैं ये सब. मुझे लगता है यार आप अल्टीमेटली उन्हीं लोगों के साथ काम करोगे ज़िंदगी में भी जिनके साथ आपका कंफर्ट है, जो आप सोचते हैं आपकी सोच समझते हैं. तो इसमें आप फिर वो नहीं कह सकते कि नहीं आपने इसलिए क्यों नहीं लिया, इसको क्यों नहीं लिया. वहाँ पर बैठ के आप इक्वालिटी नहीं प्ले कर सकते. मतलब इसमें इक्वालिटी को डिमांड नहीं कर सकते.
नहीं, क्योंकि ये सब्जेक्टिव बात है और उस सब्जेक्टिविटी में सिर्फ टैलेंट एक दायरा नहीं बन सकता, वो एक एस्पेक्ट है, लेकिन वो आपकी, दैट्स नॉट द ओनली थिंग, और वो जिंदगी में कभी नहीं होता है। आपको डॉक्टर्स की पोजीशन, किसी और की पोजीशन, सिर्फ मेरिट पे कुछ नहीं है, एक ओवरऑल बात होती है, एक कंफर्ट, एक फील, एक रैपो, रिलेशनशिप, ये सब चीज़ें। और एंड मैंने सारी जिंदगी फिल्मों में काटी है या इस मीडियम में, इस माध्यम में काटी है। इट्स अ वेरी टफ वर्ल्ड, एंड जब आप फिल्म बना रहे होते हैं, जो आपका रिदम और रूटीन होता है वो बिल्कुल ही आसान नहीं है, और उसमें अगर आपको लोगों की ईगो से जूझना पड़े या किसी के लैक ऑफ टैंट्रम्स या फिर उनकी नासमझी से डील करना पड़े कि वो आपके विजन को समझ ही नहीं रहे या आप में बन नहीं रही है वो, आप अलग अलग लेवल पे, तो वो तो बेकार है। तो उस हिसाब से मुझे लगता है कि ये बिल्कुल जरूरी है कि आप अपनी तरह से अपनी टीम चूज करें। पर आप तो आउटसाइडर हैं ना, तो आपको ना बोलकर कितने लोगों को हाँ किया गया होगा ना। जी, पर वो तो तरीका ही है इसका। अब मैं ऑडिशन करती हूँ तो मुझे पता है 50% चांस है कि नहीं मिलेगा मुझे पार्ट। जब मुझे कोई पिच करता है उनको पता है 50% चांस है कि मैं नहीं बोलूंगी। तो दोनों तरफ से चलता है ना। चाहे वो बड़े डायरेक्टर आके मुझे बोले और वो अज्यूम करे कि ये तो शाहाना ना कभी नहीं बोलेगी, मैंने ना बोला है, तो अब वो भी बैठ के बोल सकते हैं कि भाई हमने तुम जो चांस भी दे दे तो तुम नहीं, ना बोलती हो, है ना। तो हम सबको अपनी कंफर्ट देख के चलना है कि मुझे भी, मैं वही देखती हूँ कि मुझे किस डायरेक्टर के साथ, किस प्रोजेक्ट में, किस तरह की रोल में, हर उन चीज़ों में कंफर्ट होना चाहिए। ऐसा भी हुआ है मेरे साथ कि बहुत बड़े डायरेक्टर हैं जिनके साथ मैं काम करना चाहती हूँ, लेकिन अगर रोल छोटा है तो मुझे वो कोलैबोरेशन नहीं करना है। हाँ। क्योंकि मुझे छोटा के मतलब कि उसमें कुछ रेलेवेंस या ग्राफ या कुछ वो उतना नहीं है कि मुझे ऐसा लगे कि मैं एक साथ मिलके काम कर रही हूँ अपने डायरेक्टर के साथ। तो ऐसा भी हुआ है कि मैंने ना बोला है उन चीज़ों में, मतलब अजीब बात है कि उन्हीं प्रोजेक्ट्स में मैंने काम किया है लेकिन समहाउ मुझे बड़े पार्ट्स मिले उसके बाद, मेरे ना बोलने की वजह से नहीं, कुछ और चीज़ें शिफ्ट हो गई और फिर उसकी वजह से मुझे बड़े पार्ट्स उन्हीं प्रोजेक्ट्स में मिले हैं। तो मैं वही बोल रही थी कि ना बोलना ज़रूरी है, वो ना ईगो से नहीं आना चाहिए, वो ना आपकी ज़रूरत से आना चाहिए उस वक्त। उस वक्त आपकी क्रिएटिव, आपकी इमोशनल साइकोलॉजिकल चाह या डिज़ायर उस वक्त क्या है, उसकी ज़रूरत क्या है, वो समझ के आपको वो चॉइसेस लेनी चाहिए। चलिए ये बताइए कि क्या अभी आने वाले दिनों में आपका काम हम देख सकते हैं, किसके साथ आप काम करना चाहती हैं, किसके साथ काम करने वाली हैं? अभी फ़िलहाल तो दो फिल्में हैं जो मैं कर चुकी हूँ, जो इस साल किसी वक्त तो आने चाहिए, कुछ अगले कुछ महीनों में। एक कनु बहल के साथ मैंने एक फिल्म की है, डिस्पैच विद मनोज वाजपेयी, तो उसमें फॉर एग्जांपल छोटा रोल है लेकिन मुझे बहुत मज़ा आया उस रोल को समझने में, उसको निभाने में, लेकिन और वो प्रोसेस जो था कनु के साथ, मनोज के साथ, तो बहुत उसमें मुझे मज़ा आया। तो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू सीइंग द होल फिल्म, सीइंग दैट जर्नी एज वेल। और उसके अलावा रीमा दास के साथ भी एक शॉर्ट फिल्म हमने की थी, विच वॉज एक एंथोलॉजी ऑफ शॉर्ट्स के लिए, तो वो भी शायद इसी साल किसी दौरान रिलीज़ होगी। और अभी ये अगले महीने में एक नई फिल्म स्टार्ट कर रही हूँ जो कि वापस उसी रोल में है, मतलब इंडिपेंडेंट इंटरनेशनल फिल्म, जो एक ब्रिटिश इंडियन कोलैबोरेशन है, जो मेरी डायरेक्टर हैं वो भी ब्रिटिश इंडियन हैं, संध्या सूरी, तो उनकी फिल्म है। अब मैं पता नहीं कितना बोल सकती हूँ, लेकिन वो उस फिल्म में मैं काम कर रही हूँ इन द लीड, एंड आई एम वेरी एक्साइटेड क्योंकि बहुत अगेन अलग किस्म का रोल है, मुश्किल रोल है मेरे लिए, मेरे दिमाग में मेरे लिए मुश्किल है, लेकिन आई एम एक्साइटेड फॉर दैट। थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए। थैंक यू सो मच। ये हमारा कैमरा है, ये वाला जिसमें भी आप, और हमारे चैनल का नाम है न्यूज क्लिक और शो का नाम एनसी हैंगआउट है। जैसी भी आपको हैंगआउट जैसी भी आपको बातचीत लगी, अगर आप चाहती हैं कि लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, देखें, तो आप बता दीजिए, नहीं चाहती तो बता दीजिए। नहीं चाहती तो भी बता दो।
हाय, मेरा नाम है शाहना गोस्वामी और आप मुझे देख रहे हैं newsclick.in ऑन NC Hangout. एंड अगर आपको ये शो अच्छा लगा, हमारी बातचीत अच्छी लगी, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए, शेयर करिए. एंड यस, थैंक यू.